पंचायत सागर की टीम ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए की रिश्वत ले रही महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी एवं उनके पति को गिरफ्तार किया है। दरअसल आवेदक शमसुद्दीन उर्फ सिकंदर खान कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। इसमें आवेदक की मां व पत्नी के जनसेवा स्व सहायता समूह बरौदी कला में 6 आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भोजन वितरण कार्य के बिलों की राशि के भुगतान के कमीशन के रूप में 25,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके आरोप में 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ऋचा दुबे पति संदीप दुबे परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मालथौन जिला सागर, साथ ही सह आरोपी संदीप दुबे पति ऋचा दुबे को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यह पूरा घटनाक्रम कार्यालय एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग मालथौन में हुआ। लोकायुक्त की टीम में राजेश खेड़े, रोजनी जैन सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। एसीएन न्यूज़ के लिए सौरभ जैन की रिपोर्ट। यहाँ 2013 से और सिस्टम ऑपरेटर और हमारी माँ और हमारी बीवी जो अध्यक्ष और सचिव है वो समूह चला रही जनसेवा के नाम से विरोधी कला में। मेरे द्वारा एक बार जून 2021 में 2 माह की पैसे निकली थी 1,15,000 रुपये 2 माह की, उसमें से हमने 65,000 रुपये ले लिए थे। अब जो दोबारा चार्ज में है फिर भी वही धमकी निकालने की धमकी जो फर्स से निकाल दी ऑपरेटर फर्स से। कितने की मांग की इस बार दिसंबर महीने में हमारी डिली थी 70,000 रुपये खाना के, खाना और नाश्ता वितरण करते हैं उसकी। तो अभी यहाँ पर कितने पैसे की मांग की है? अभी हमने 30,000 रुपये, उसमें से 25,000 रुपये हमें दे दिए। अलग अलग महीने में अलग अलग मांग की जा रही थी क्या? अलग अलग अभी क्या 3-4 महीने में भुगतान नहीं हुए, अभी 1 महीने का होगा दिसंबर। इसकी पहले भी दिए आपने पैसे? हाँ। पहले कितने दिए? 65,000। 65,000 हाँ नहीं दे रहे थे तो जब उस समय भी धमकी दे। आप यहाँ काम करते हैं जी तो हर माह में कमीशन लिया जाता था? हाँ।